हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं मेरा आपका अपना यूट्यूब चैनल हेयर टिप्स हेयर ट्रांसप्लांट। दोस्तों, जो जैसे बात करूँ, मैंने कुछ समय पहले अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। कुछ समय क्या, काफी समय हो गया। आज मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 15 महीने जो है वो कम्प्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपके उस सवाल को कवर करने वाला हूँ। बहुत से जो लोग हैं, कई मुझे कमेंट्स करते हैं और जो मुझसे सवाल आता अधिकतर कि हमारा ग्रेड टू ग्रेड थ्री है, हमारी थोड़ी सी हेयरलाइन पीछे चले गई है, थोड़ी ज्यादा हल्की सी पर ज्यादा नहीं गई है कि बहुत ही ज्यादा दिखता हो, है ना। तो क्या मुझे अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना ठीक रहेगा या ना रहेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर मैं आपको बेसिक्स कुछ रीजंस बताऊंगा और कुछ चीजें बताऊंगा, उसको ध्यान रख के आपको डिसीजन लेना है कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है या नहीं कराना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, तो ऐसा कुछ है नहीं कि आप हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं या नहीं करा सकते। अगर आपको लगता है आपके इतने भी बाल गए, थोड़े से भी पीछे चले गए और आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। बट कब ठीक रहता है और कब नहीं रहता है, इसके ऊपर आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट, जैसे कि मेरे से कॉल में जो पूछते हैं कि भाई मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए नहीं, मेरी एज 26 है और मेरी हेयरलाइन जो इतनी इतनी पीछे गई है। कई मैंने वीडियो देखे है जिसमें डॉक्टर्स ने बताया, किसी और ने बताया कि अभी आपका ग्रेड थ्री है तो अभी नहीं कराना चाहिए, बाद में आपकी हेयरलाइन और पीछे जाएगी। तो दोस्तों, बेसिकली आप इस चीज का ध्यान रखिए कि मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट क्यों कराया था। मेरे भी जैसे कि कंटिन्यू थोड़ी जो पैटर्न है ना, वो थोड़ा थोड़ा आगे तो बढ़ रहा है नॉर्मली। अभी आपको हेयर की कंडीशन भी दिखाऊंगा, तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो पैटर्न जरूर बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। आप 30 साल के बाद भी जो है आपका, ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई सी एज नहीं आती कि आपका हेयर फॉल जो है ना रुक जाएगा। अगर मान लो पैटर्न बन गया तो बंद हो जाएगा, पूरा हो गया। कंप्लीट कब होगा किसको पता, कंप्लीट तो जब होता है जब आपका पूरा ऐसा चांद बन जाता है, ऊपर का ये सर्कल जो है पूरा खाली हो जाएगा। ये धीरे धीरे जो है ना आपको कॉर्नर जाएंगे, फिर डब्ल्यू बनेगा, फिर ये सर्कल बनेगा और आगे बढ़ते जाएगा, है ना। तो ये जब पूरा ये जो बोले ना सरफेस खाली हो जाएगी, ये टकलापन दिखने लग जाएगा, जब वो जाके रुकता है, स्टेबल होता है, जिसमें 35-40 साल या 45-50 साल तक जो है ये चलता रहता है या फिर इससे भी ज्यादा समय तक चल सकता है। तो दोस्तों, आपको हेयर ट्रांसप्लांट जब कराना है, जब आपको लगे कि यार मेरे को यार अब लग रहा है कि हेयर ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए, मैं अपने जो मेन मोमेंट है, मेन के जो एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, लोग मुझे जो है एक अलग नजर से देखते हैं, या फिर मुझे नर्वसनेस होती है, मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो उस तरह से नहीं रह पाता जिस तरह से रहना चाहिए, है ना। हर जगह जाने में प्रॉब्लम होती है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ दोस्तों यहाँ पे, कि मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट क्यों कराया था और ये डिसीजन किस कारण जो है मैंने लिया था, ठीक है। उसके पहले थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा, जो मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं उन्हें बताना चाहूंगा कि मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट जो 15 महीने पहले कराया था, वो FUE टेक्निक से कराया था और जो है मुझे 1500 ग्राफ्ट लगे थे हेयर ट्रांसप्लांट में, और मुझे जो कॉस्ट आई थी हेयर ट्रांसप्लांट की बात करूं तो 30,000 रुपये मेरे को कॉस्ट आई थी। और 6 महीने बाद तक की बात करूं, क्योंकि कुछ मेडिसिन लगी थी, 6 महीने तक मैंने मेडिसिन लगी थी और हेयर ट्रांसप्लांट के पहले कुछ जांचें हुई थी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तो वो सब मिला के कम्प्लीटली मुझे जो है 40,000 40,000 में जो है कम्प्लीट मेरी हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी हो गई थी आफ्टर 6 मंथ तक की। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मेडिसिन जांचें वगैरह सब कुछ मिला के, तो टोटली जो है 40,000 मुझे लगे थे। अब दोस्तों, मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराने का डिसीजन कैसे लिया था, ये और स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ कि अब मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना ही है। तो दोस्तों, यहाँ पे बताना चाहूंगा, मेरी न्यूली इंगेजमेंट हुई थी। फिर क्या हुआ, एक चक्कर क्या हुआ दोस्तों, हम मेले में गए थे और वहां पे घूम रहे थे, जब झूले पे गया ऊपर, तो जब झूले पे जाते हैं तो मैं जनरली किसी झूले पे जाने से उसको अवॉइड करता था, किसी भी चीज को, कि जहां अपने बालों पे हवा लगे, है ना। तो घूम रहा था तो पूरे बाल जो है पीछे चले गए थे और मैं बहुत ही बेकार दिखने लगा था। तो फिर मैंने उसको कवर तो कर लिया था, पर क्या हुआ, जब हम नाश्ता कर रहे थे वहां पे, जब नाश्ते की बात आई, मैंने बोला कि नहीं, मुझे नाश्ता नहीं करना, मेरे ससुराल वाले भी साथ में थे, मेरे साले साहब साथ में थे, तो उन्होंने बोला जीजू आपको तो खाने पीने की जरूरत है, खाते रहिए कुछ भी, अच्छा न्यूट्रिशन से बड़ी चीजें लिया करें, नाश्ता नहीं करें तो फल फ्रूट वगैरह ले ले, क्योंकि आपके बाल तो पहले ही कम है तो उससे थोड़े ठीक होंगे। तो जब उन्होंने इतने लोगों के बीच में बात कही तो उस दिन मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हुआ, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा। फिर मैंने स्ट्रांगली डिसीजन बनाया यार कि नहीं, अब तो मुझे अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना ही है। इस बारे में मैं जानता जरूर था पर प्लानिंग कर रहा था, पर एक स्ट्रांग डिसीजन नहीं ले पा रहा था। तो दोस्तों, यहाँ पे ये है कि जब तक आपको कहीं जाने जाने में दिक्कत नहीं होती, जब तक कोई दिक्कत नहीं, पर आपको लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराना है,
तो फिर आप करा लीजिए, है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी से फोन करके पूछेंगे, किसी डॉक्टर को पूछेंगे कि करा सकता हूँ या नहीं करा सकता, वो हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, जो भी है ये डिसीजन आपका है यार। आपको जाने आने में कब तक प्रॉब्लम नहीं? अगर आपको लगता है आप आपकी रियल लाइफ खो रहे, अगर मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराता और शादी में भी ऐसा ही रहता तो कितनी ज्यादा मेरे को शर्म आती और मैं वो मोमेंट खोता यार, क्योंकि मेरी शादी इतने अच्छे से हुई। जब हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया तो बालों की कोई समस्या बची नहीं, बिंदास, बहुत मजा आया, बहुत नाचा गया, इंजॉय करा सब कुछ अपने स्टेज वगैरह। मैं क्या सोचता था ना, पता है दोस्तों, एक चीज और दिल की आपके साथ शेयर करें कि जब मैं स्टेज पे बैठूंगा तो यार सेहरा लगाऊंगा कि नहीं। मैंने सोचा था सेहरा जरूर लगाऊंगा, अगर सेहरा नहीं लगाऊंगा तो ये पीछे बाल चले जाएंगे और मतलब कम बाल रहेंगे, हेयर स्टाइल कैसे बनूंगा, कैसे क्या करूंगा, सब चीजें मेरे को देखने को। तो ये डिसीजन आपका है, आपको कब हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। आशा करता हूं आपके जो है सवाल वो क्लियर हुए होंगे, आपके मन में जो है इस सवाल को लेके जो अंदर चलता रहता है कि कराना है नहीं कराना, तो आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाएंगे हेयर ट्रांसप्लांट का। उसके बाद दोस्तों आपको एक जरूरी बात बताना थी, बहुत से लोग कहते हैं भाई मैं यहाँ पे रहता हूँ, मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का यहाँ हो सकता है, यहाँ का क्लिनिक बताइए। दोस्तों जो क्लिनिक मैं जानता हूँ जहाँ पे डॉक्टर अच्छे अच्छे से सर्जरी होती, मैं वही का आपको बताता हूँ। मैं जनरली सूरत बताता हूँ, इंदौर बताता हूँ, है ना, मुंबई या दिल्ली बताता हूँ, है ना, जो आपको पास पड़े, बट सूरत सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से, जो क्लिनिक मैं आपको सजेस्ट करता हूँ हेयर फ्री, है ना। कॉन्टेक्ट नंबर भी आ जाएंगे यहाँ पे, क्लिनिक का नंबर आ जाएगा, कुछ समय बाद मेरा भी नंबर आ जाएगा, आप मेरे से जानकारी लेना चाहे तो ले सकते हैं, क्लिनिक पे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कितना आपको कॉस्ट आ सकती है तो वहां से ले सकते हैं। अब दोस्तों आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि क्या होता है ना, सर्जर अच्छा होना जरूरी है। अगर आपकी सर्जरी अच्छे से हो जाती है तो आप बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आती है। क्योंकि मेरे पास बहुत से कॉल्स भी आते हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट तो करा लेते हैं, बाद में बोलते हैं भाई मुझे हेयरलाइन अच्छी नहीं बनी, मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को वो हो रही है, अभी मेरा ये है, मेरे को डेंसिटी कम मिली, ये वो। तो ये सब चीजों से बचने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आप अच्छे क्लिनिक से सर्जरी कराएं, अच्छा सर्जर रहे, अच्छा स्टाफ रहे, है ना, ये सब चीजें रहे। जो सर्जरी करे वो एमडी रहे या डर्मेटोलॉजिस्ट रहे या प्लास्टिक सर्जन रहे किसी, क्योंकि आजकल क्या होता है, एक सैलून के बाद भी कई जगह हेयर ट्रांसप्लांट चालू हो गए, वो कैसे टेक्नीशियंस को उठाते हैं जो किसी डॉक्टर के अंडर में काम कर रहे थे, बाद में वो खुद ही सर्जरी जो है वो करने लग जाते हैं। इस केस में कभी कभार तो अच्छे से सर्जरी हो जाती है और कभी कभार जो सर्जरी में कोई बहुत सी दिक्कतें आ जाती है, तो डिसीजन आपको लेना है। ट्रेवलिंग को ना डरे दोस्तों, ट्रेवलिंग 1 या 2 दिन की रहती है, सर्जरी अच्छे से हो जाती तो लाइफ अच्छी हो जाती है। ये डिसीजन आपको लेना है कि आपको कहाँ से कराना है। और आजकल तो ये ट्रांसप्लांट बहुत अच्छी कॉस्ट में होने लग गए, मैं जो सजेस्ट करता हूँ वो भी जो है 20 रुपए ग्राफ्ट ही चार्ज करते, कई जगह 40 या 50 रुपए चार्ज अगर करते तो आपको नहीं देना क्योंकि इतनी कॉस्ट नहीं होती है। 20 रुपए ग्राफ्ट में एक अच्छे से अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है। और दोस्तों मैं अब आपको मेरे बाल भी बता देता हूँ क्या कंडीशन है। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी कंडीशन है जो मेरे बाल की हो चुकी है, पहले के फोटोग्राफ देखिए कैसा दिखता है। और दोस्तों जो मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो भी देख लीजिए कि 15 महीने बाद मेरा क्या रिजल्ट है और कहाँ मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करा था। तो दोस्तों ये देखिए हेयर की डेंसिटी कितनी अच्छी है, ये देखिए किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आया। बाल थोड़े आगे करके आपको बता देता हूँ, तो ये देखिए दोस्तों जो भी बाल आगे आ रहे हैं, जो बाल मैं आगे करूंगा वो ट्रांसप्लांटेड हेयर रहेंगे। ये मेरे ट्रांसप्लांट में लगाए गए थे हेयर, थोड़े अलग होने में है क्योंकि पूरी तरह से मेज हो गए, किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं लगता, कोई डिफरेंट नहीं लगता है। ये देखिए दोस्तों वो बाल आगे आ जाते हैं, देखिए दोस्तों ये सब ट्रांसप्लांटेड हेयर है। और दोस्तों ये हेयर वैसे ही बढ़ते हैं जैसे आपके नॉर्मल बढ़ते हैं, क्योंकि एक पौधे को हेड़ के जहाँ दूसरी जगह लगाया जाता है, जैसे वो बढ़ता है वैसे ही अपनी हेयर की भी कंडीशन रहती है, तो किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आता। ये देखिए दोस्तों अब तो लगता ही नहीं है कहाँ से सर्जरी कराई कहाँ से नहीं कराई, है ना। ये देखिए बस आपको हेयरलाइन देखो कितनी अच्छी हेयरलाइन जो है मेरी बनी है, और ये मेरे ट्रांसप्लांटेड हेयर, और ये हेयर की कंडीशन है, देखिए कितनी अच्छी हेयर की कंडीशन है। तो ये कंडीशन है मेरी फिलहाल में, ठीक है दोस्तों। तो ये था, तो ये मेरे बाल आपने देख लिए, तो ऐसा नहीं है कि मेरी हेयर की कोई डेंसिटी कम हुई। 15 महीने बाद जो देखो कितने अच्छे हेयर मेरे हो चुके हैं, यही मेरा रिजल्ट भी है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, तो यहाँ आपको और भी ज्यादा जानकारी मिल जाएगी हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़ी, क्योंकि चैनल पर बहुत से वीडियो है। ओके दोस्तों बाय, मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में, बाय बाय, टेक।